तो दोस्तों ये है 20 फीट का रोड, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीन इसमें डुप्लेक्स बनाए हुए हैं 85 85 85 स्क्वायर यार्ड के। ये है इनके एलिवेशंस। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ, एक डुप्लेक्स दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है इसकी गाड़ी की पार्किंग। आराम से यहाँ बड़ी गाड़ी पार्क हो सकती है आपकी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फॉर्चूनर या एक्सयूवी आ जाएगी, मगर हाँ इतना स्पेस ज़रूर है कि एक वेन्यू और एक्सयूवी 300 जरूर आ जाएगी, या कोई सेडान कार डिज़ायर जैसी। तो हम दोस्तों अपने विला के अंदर आ चुके हैं। ये है अपना एक लिविंग एरिया, ड्राइंग एरिया। अब अपना टीवी कैबिनेट यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं आराम से। ये स्टोरेज बनाई हुई है और स्टेयर दिया हुआ है ऊपर जाने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया था, डुप्लेक्स विला है ये। ये है खुला स्पेशियस एक किचन, जो कि है मॉड्यूलर किचन। अब अंदर की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये है हमारा बेडरूम। आप देखेंगे 2x4 की टाइल इस पे लगाई हुई है। तकरीबन कोई 11x12 का बेडरूम है ये। ये जो कि है अटैच एक अपने कवर्ड रूम के साथ, और साथ ही साथ आपको मिलता है ये एक अटैच वॉशरूम। ये डोर दिया गया है पीछे के लिए। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए एक छोटी बालकनी आप देख सकते हैं दी हुई है। आई मैं दिखाई देता हूँ। तो सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए एक बालकनी दी हुई है, और हम चलते हैं स्टेयर की तरफ और देखेंगे अपने दो ऊपर बेडरूम्स। ग्रेनाइट लगाया हुआ है, साथ ही साथ एसएस की रेलिंग्स हैं। एक स्पेस ये भी मिलता है, आप इसको अपना एक छोटा ऑफिस या स्टडी रूम काइंड ऑफ बना सकते हैं, अपना मंदिर भी इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पे। सेकंड बेडरूम सेम साइज। वॉल सीलिंग हुई हुई है, प्रॉपर विंडो इसमें छोड़ा गया है वेंटिलेशन के लिए। कर्टेन रोड्स लगी हुई हैं, जैसा कि हमने नीचे देखा पूरा रूफ तक ड्रॉस बने हैं, कबर्ड्स बने हुए हैं। और यह है बड़ा एक अटैच वॉशरूम। ये हमारा थर्ड बेडरूम। जो कि अटैच वॉशरूम के साथ, इसमें ड्रॉअर प्लस एक ड्रेसिंग टेबल बनाया हुआ है। यह है अटैच वॉशरूम्स का। अभी वॉशरूम की फिटिंग्स होनी है, क्योंकि दोस्तों अभी डुप्लेक्सेस के अंदर काम चल रहा है, लेबर यूज कर लेती है, इस वजह से अभी डब्ल्यूसी की फिटिंग नहीं करी गई है। ये वॉशिंग एरिया दिया हुआ है, टैप का प्रोविजन है, और यह है एक आपकी बालकनी। आप फर्स्ट फ्लोर से भी अच्छा हिल का व्यू ले सकते हैं। आइए मैं एक बारी आपको रूफ पे ले चलता हूँ। ये एक छोटा स्टोरेज आप बना सकते हैं अपना यहाँ पे।
ये है आपका रूफ, पर्सनल छत, पर्सनल पार्किंग और 3 BHK का डुप्लेक्स जो कि 85 स्क्वायर यार्ड के अंदर बना हुआ है। छत से आपको ये सुंदर नज़ारा मिलता है देखने को, आप देख सकते हैं ये सामने मसूरी है। ये मालदेवता की हिल्स दिखती हैं यहाँ पे। आसपास की बसावट भी आप देख सकते हैं कैसे बसावट है, अच्छे सुंदर घर बने हुए हैं।